उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शनिवार की रात एक बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर में एक 3 मंजिला इमारत अचानक से भरभरा कर गिर गई, जिसके चलते कई लोग उसके नीचे दब गए। घटना पर अभी भी चीख पुकार मची हुई है। बताया जा रहा है कि इमारत के पास खड़ा एक ट्रक भी इसकी चपेट में आ गया है। वहीं लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ट्रांसपोर्ट नगर बिल्डिंग गिरने की घटना में अब तक मिली सूचना के मुताबिक मृतकों की संख्या कुल 8 हो गई है। हादसे में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनमें मंजीत सिंह शहानी, धीरज, पंकज, अरुण, रामकिशोर, राजेश कुमार, रुद्र यादव और जगरूप सिंह शामिल हैं। आपको बता दें कि 16 घंटे बाद भी अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम एसडीआरएफ टीम के साथ कटर मशीन ड्रिल लगाकर लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है, ताकि इसे अंदर से चेक किया जा सके। स्निफर डॉग को भी लाया गया है। अंदर मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश जारी है। ट्रांसपोर्ट नगर में जो बिल्डिंग कल रही थी, जिस तरीके से गिरी थी, उसमें 3 मंजिला, मेरे पीछे भी आप तस्वीर में देख सकते हैं। इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है अभी भी, चूंकि देर रात से तकरीबन 10-12 घंटे हो जा चुके हैं, उसके बावजूद भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप मेरे पीछे देखिएगा, जो जेसीबी मशीन है उससे ये मलबा हटाया जा रहा है, और इसमें अभी तक अगर मैं आपको बताऊं तो 8 लोगों की मौत हो जा चुकी है इसमें, और इसके साथ साथ तकरीबन 27 लोग घायल हुए हैं, जिनको नजदीकी अस्पताल में एडमिट किया गया है। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम और जो एसडीआरएफ की टीम है वो सभी यहां पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से यहां पर एनडीआरएफ की टीम है, वो पल पल यहां पर आगे बढ़ के जो भी यहां का मलबा है उसको हटाया जा रहा है और उसके अंदर चेक किया जा रहा है। यहां पर जो ऑफिसर्स हैं वो भी मौजूद हैं, और विभाग के, पुलिस डिपार्टमेंट के, और लगातार लोगों को और भी संभावना है कि हो सकता है अंदर फंसे हुए हो, जिसके लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कराया जा रहा है। आप देखिए कि जो यहां पर जेसीबी मशीन्स लाई गई हैं वो लगातार मलबे को हटा रही हैं।